नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में ऑकलैंड के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लापता। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संविधान में बदलाव को लेकर इटली में जनमत संग्रह आज, हां या ना में अपना मत डालेगी जनता। अगर लोगों ने जनमत संग्रह को नकारा तो प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी की बढ़ सकती हैं परेशानियां। ब्रेक्जिट पर हुए जनमत संग्रह पर बोले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कराने का कोई अफसोस नहीं, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने पर सबसे ज्यादा अफसोस। न्यूजीलैंड के सेडन शहर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता, जान माल का कोई नुकसान नहीं। पूर्वी चीन के जिनान प्रांत के कारखाने की इमारत ढही, 5 लोगों की मौत, कई घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नाम पर स्मारकों के नाम रखना होगा प्रतिबंधित, अपने लिए ऐसी परंपरा नहीं चाहते थे कास्त्रो। फिदेल की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार नेशनल असेंबली के अगले सत्र में कानून करेगी पारित। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार। We'll be right back.